दहेज हत्या के मामले में मऊ जिला कारागार में बंद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला कैदी का शव कारागार के बाथरूम में मिला। वहीं महिला कैदी का शव मिलने की सूचना मिलते ही जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। बता दें कि महिला अपने पुत्र के साथ करीब 6 महीने से मऊ जिला जेल में बंद थी। शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली मीरा दहेज हत्या के मामले में 6 जून से ही जिला जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद थी। हाँ सर, बताइए क्या मामला है। मीरा पत्नी जितेंद्र 498 DPA एक्ट में है निरुद्ध हैं। जून से इन्होंने बाथरूम में साड़ी का जो किनारा होता है उसको फाड़ के उसी से नल में फंदा लगा के फांसी लगा ली, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी घटना है सर ये अभी हम लोगों को तो सूचना अभी मिली है 1:30 बजे के आसपास। एक इनका स्टेटमेंट आया था जेलर साहब को। परिवार के सर कितने लोग इसमें? परिवार के इनके पति और दोनों बेटे वो भी इसी जेल में निरुद्ध हैं जी। सर एज क्या रही होगी इनकी? एज इनकी 45।